नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप लोगों को हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे माँ तारा देवी मंदिर और दूधाधारी मंदिर। तारा देवी टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड रिलीजियस प्लेसेस इन शिमला। इट इज़ इंस्टॉल्ड एट अ हाइट ऑफ 7,200 feet above sea level and situated around 11 kilometer away from Shimla city. तारा देवी मंदिर बहुत ही हाइट पे बना हुआ है। ये मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल और फेमस है। इसके साथ हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, जो हम आपको बाद में बताएंगे। आप जब शिमला ट्रेवल करोगे, आपके ट्रेवल आइटिनरी में तारा देवी मंदिर ज़रूर होनी चाहिए। ये एक मेजर स्पॉट आता है। यहाँ पे मंदिर के साथ साथ आपको आउटस्टैंडिंग व्यू दिखेगा। यहाँ ऊपर से आप एक सीरीन ब्यूटी और अमेजिंग व्यू का आनंद ले सकते हैं। आप जब सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे ऊपर जाएंगे, आपको बैठने का भी जगह मिलेगा रेस्ट लेने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारा बंदर भी दिखेगा आपको। माँ तारा देवी मंदिर के नीचे काफ़ी बड़ी पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। मंदिर पूरी ऊँची चोटी पर स्थापित है। यहाँ पर टाइम टेबल अनुसार गवर्नमेंट बसेस चलती है फ्रॉम शिमला ओल्ड बस स्टैंड। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर बजट ट्रेवलर्स। और आप प्राइवेट टैक्सी हायर करके या पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ आ सकते हैं। माँ तारा देवी मंदिर परिसर के साथ ही ऊपर चोटी पर स्थापित है दूधाधारी माता की मंदिर। अभी हम मंदिर के मेन एंट्री गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल गेट बनाया हुआ है और ऊपर से एक घंटी भी लटक रहा है। डियर व्यूअर्स, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि तारा माता का मंदिर और दूधाधारी माता का मंदिर दर्शन करने के लिए कोई एंट्री फी नहीं लगता है। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम मेन एंट्रेंस से तारा देवी मंदिर परिसर में एंटर कर चुके हैं। मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा 360 डिग्री व्यू कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। आप लोग देखिए यहाँ का कैसा क्या माहौल है, कैसा दिखता है। और मंदिर जो है वो ऊपर ऊंची चोटी पर स्थापित है। अभी हम जूता इस रूम पे रख के ऊपर जाएंगे। दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम माँ तारा देवी का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बता देते हैं। गूगल करके विकिपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन मिला है, अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी व्हिच ट्रेसेस बैक टू 250 इयर्स, द किंग भूपेंद्र सेन बिल्ड द टेम्पल एंड आफ्टर ही हैड विजन इन व्हिच गॉडेस तारा देवी आस्क्ड हिम टू इंस्टॉल ए टेम्पलेट देयर सो दैट पीपल कुड गेट हर ब्लेसिंग्स। ही ऑल्सो इंस्टॉल्ड ए वुडन स्टैचू ऑफ गॉडेस देयर। लेटर किंग बलबीर सेन had a vision of goddess Tara, where she asked him to install the temple on Tara hilltop. The king did the same and also erected an idol of goddess made up of Ashtadhatu, a mix of 8 precious elements. The idol was carried on an element named Shankar. मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। आप बाहर से फ़ोटो ले सकते हैं। आप देखिए मंदिर का शानदार नक्काशी हिमाचली स्टाइल के अकॉर्डिंग। लकड़ी का बहुत बारीक काम हुआ है यहाँ पे। पत्थर के ऊपर लकड़ी का ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, यही यहाँ का यूनिक और ब्यूटीफुल स्कल्पचर है। माँ तारा देवी मंदिर के पीछे
एक छोटा सा बटुक भैरव का भी मंदिर है। मंदिर परिसर के चारों ओर बड़ा सा वरांडा है और कुछ स्टेप्स नीचे एक बहुत बड़ा टेरेस बना हुआ है। यहाँ से आप फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं और यहाँ से सारा शिमला और पूरा पहाड़ी इलाके आपको साफ साफ दिखाई देगा। दिस प्लेस ऑफर्स सीनिक व्यूज ऑफ द लॉफ्टी हिमालयस सराउंडिंग द टाउन। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। हर साल यहाँ लाखों लोग माँ का दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। अभी हम लोग माँ का दर्शन करके बाहर आ गए हैं। यहाँ का जो व्यू है, ब्यूटी है, विच इज़ एब्सोल्यूटली फ्लॉलेस। फेसबुक पिक्स या इंस्टाग्राम रील्स के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है। नेकेड आई से तो यहाँ का जो प्राकृतिक व्यू है बहुत मनोरम और सुंदर लग रहा है। आप लोग वीडियो के माध्यम से एंजॉय करें और कभी मौका मिले तो माँ तारा देवी की दर्शन करने ज़रूर आना। यह है तारा देवी मंदिर का बैक साइड और यह है बाहर का नज़ारा और इसी रास्ते से आपको सामने आगे जाके मिलेगा दूधाधारी मंदिर। ये जो आपको दिख रहा है इसी रास्ते से आपको जाना है। इसे इस तारा देवी मंदिर के पीछे के से रास्ता आता है, इसी रास्ते से आपको सीधा जाके मिलेगा दूधाधारी मंदिर। 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, अभी हम जा रहे हैं। दूधाधारी मंदिर से दृश्य और भी मनोरम है। यहाँ शिव भगवान का प्रतिमा है और दूधाधारी माता का भी प्रतिमा है। चलिए चलते हैं मंदिर परिसर की ओर, जहाँ विराजमान है दूधाधारी माता। माँ दूधाधारी के साथ साथ यहाँ शिव भगवान का भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ दूधाधारी की पूजा करने से आपके दूध देने वाले जानवरों को किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं लगती तथा बाघ इत्यादि जंगली जानवरों से भी रक्षा होती है। माँ दूधाधारी मंदिर के एंट्रेंस में एक सुंदर सा फ्लावर गार्डन भी बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ और कलर्स के फ्लावर्स लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मेरे सामने यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है तारा देवी मंदिर। अभी हम दूधाधारी मंदिर का दर्शन करके वापस रिटर्न टू होटल जा रहे हैं और आप यहाँ का जो रोड है वो देखिए, बहुत ही अच्छा बनाई हुई है, पक्का रोड है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
और आप देखिए मेरे राइट हैंड साइड में ही है तारा देवी मंदिर, और जिस रास्ते से हम आए हैं इस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा दूधाधारी मंदिर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसे भी लगती है आप कमेंट करना, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक्स फॉर योर टाइम।